अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हम इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर जैदी की बुक का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 जो है वो करेंगे, ठीक है कवर। इसमें हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो आया था पाकिस्तान में 1988 में, उसका जितना बैकग्राउंड है और उसके जितने कॉन्सिक्वेंसेस थे इकॉनमी के ऊपर उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले बेसिकली देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स होते क्या हैं। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं या वो ऐसी कंडीशनलिटीज होती हैं जो कि IMF या वर्ल्ड बैंक जो है डेवलपिंग कंट्रीज या ऐसी कंट्रीज जो उनसे मनी बोरो करती हैं, डेट लेती हैं, ठीक है, उनके ऊपर लगाता है। ऐसी कंडीशनलिटीज होती हैं जो वर्ल्ड बैंक या IMF जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमीज के ऊपर लगाता है, ठीक है, उनको फॉलो करता है और उनकी बेस के ऊपर उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिकली ये जो कंडीशनैलिटीज होती हैं इनमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि ट्रेड को इनक्रेज करना, ठीक है, ट्रेड लिबरलाइजेशन लेके आना इकॉनमी में, इनक्रेज करना एक्सपोर्ट्स को, ख़ासतौर पर प्राइमरी गुड्स की जो एक्सपोर्ट हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स जैसे कि जो कैश क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उसके अलावा मिनरल्स की एक्सपोर्ट को, मेटल्स की एक्सपोर्ट को, ठीक है, इसके साथ साथ करेंसी की डिवेल्यूएशन को बहुत ज़्यादा फोकस रखता है वो, इनकरेज करता है FDI को, ठीक है, प्राइवेटाइज करता है, नेशनलाइज जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको प्राइवेटाइज करने पर फोकस होता है, रिड्यूस करता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को, ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट का बजट है वो एक तो बैलेंस रह सके और जो डेफिसिट है वो कम हो सके, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें इंक्लूड बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि बेसिक सर्विसेज जो हैं उनके ऊपर अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है अपनी पब्लिक को, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, फ्री सर्विसेज दे रही हैं, तो ये एक कंडीशन लगाई जाती है कि उनको वो ऐसी सर्विसेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ना दी जाए बल्कि उनका उनको उनका चार्ज किया जाए, ठीक है। फिर इसके अलावा प्राइस कंट्रोल सब्सिडीज जो हैं उनको ख़त्म किया जाए, इम्प्रूव गवर्नेंस की जाए, करप्शन जो है इकॉनमी से कम की जाए। बेसिकली इन सब जो इंसेंटिव्स हैं या सब जो पॉइंट्स होते हैं, एजेंडाज होते हैं, इन सब का मेन मकसद तो ये होता है कि इकॉनमी को बेटर ट्रैक पे लेके आया जा सके ताकि उसको नेक्स्ट टाइम के लिए डेट की तरफ जाना ना पड़े। लेकिन इन सब चीज़ों का इकॉनमी के ऊपर जो पहले से डिवेलपिंग इकॉनमी है उसके ऊपर हाई प्रेशर भी आता है, और मेनली जो प्रेशर आता है वो पुअर सेगमेंट ऑफ द इकॉनमी पे आता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट जो है वो पहले से अगर थोड़ी बहुत कोई सब्सिडीज वगैरह दे रही है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्री एजुकेशन है, ठीक है, या फ्री हेल्थ सर्विसेज हैं कुछ, जैसे अभी हमारी हुकूमत ने भी जो है हेल्थ कार्ड निकाले हैं, सेहत कार्ड निकाले हैं, ठीक है, तो ये फ्री बेसिकली सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विस है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नेट्स के अंदर जो आती हैं, ठीक है। अगर ये पहले से कोई गवर्नमेंट दे रही होती है तो इनको वो ख़त्म कर देनी पड़ती हैं, तो जो गरीब होता है, जो पुअर सेगमेंट है इकॉनमी का, वो मजीद डिप्राइव्ड हो जाता है इससे, ठीक है, और इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है इकॉनमी में। अब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे इस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के वो देख लेते हैं। फिर वी डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में उस टाइम जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई ज़िया के टाइम पे, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक से हमने उस टाइम पे लोन लिया, ठीक है, तो उन्होंने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की मद में हमें बहुत सारी जो रिफॉर्म्स थे वो दिए कि भाई आप ये इनको फॉलो करोगे तो फिर जो है आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सेवन जो 5 ईयर प्लान था 1988 से 93 तक, ठीक है, वॉज मेड टू ऑर्डर एट द टाइम ऑफ व्हेन IMF एंड वर्ल्ड बैंक इंड्यूस कंडीशनैलिटी वॉज एक्सेप्टेड बाय पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान ने सातवां जब पाँच साल मनसूबा था उस टाइम पे हमने जब IMF से और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया तो हमने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के ऊपर साइन भी किया और यानी उस एग्रीमेंट को हमने एक्सेप्ट किया। फिर क्या हुआ कि द प्लान हैड एन सेट एम्बिशियस टारगेट्स, ठीक है, प्लान के एम्बिशियस टारगेट्स थे फॉर रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। बेसिकली जो स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम होता है वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक तो प्राइवेटाइज करने पे फोकस भी करता है और उसको इनकरेज भी करता है, ठीक है, तो
उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आई वो इस स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम का भी उसमें कुछ हद तक रोल था, ठीक है। एंड इंड्यूस्ड डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, टैरिफ रिफॉर्म एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। 3 साल हमने मंसूबे के ऊपर साइन किए, ठीक है, 1988 से 91 में, जिसमें मेन हमारा जो फोकस था किन किन पॉइंट्स पे था, लिमिटिंग द लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज की लिस्ट को लिमिट किया जाए, यानी प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उनको लिमिट किया जाए। फिर डीरेगुलेटिंग बिजनेस डिसीजन, ठीक है, बिजनेस के जो डिसीजन है उनको डीरेगुलेट किया जाए, ठीक है, उनमें रिफॉर्म्स लेके आए जाए। और दूसरा क्या है, रेजिंग इन्वेस्टमेंट सैंक्शंस लिमिट 700 मिलियन टू 1 बिलियन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो सैंक्शन लिमिट थी उसको हटा दिया जाए या उसमें थोड़ा इजाफा किया जाए, 700 मिलियन से 1 बिलियन तक उसको लेके जाया जाए। फिर डाइवेस्टिंग द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर पे फोकस किया और प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया गया, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पे लोगों का कॉन्फिडेंस वापस से रीगेन किया। फिर इन्हेंसिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जो हैं उनको इन्हेंस किया, यानी हमारी एक्सपोर्ट थी उस टाइम पे भी प्राइमरी गुड थी, यानी एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स थी, कॉटन, टोबैको, ठीक है, और टी वगैरह जो है हम वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, या फिर और जो एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज ही थी, राइस है और वीट है, तो उनको जो है इन्हेंस करने के इंसेंटिव्स पे गौर किया। फिर रिड्यूसिंग द लिस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट आइटम्स, ठीक है, इंपोर्ट आइटम जो थे उनकी लिस्ट को रिड्यूस किया गया, एज वेल एज क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी अप्लाई की गई, क्वांटिटी को भी, अगर आप इम्पोर्ट करना जरूरी है तो क्वांटिटी को एटलीस्ट लिमिट करें। In addition to industry-specific recommendations, additional macroeconomic perceptions were also given by IMF. Industry-specific recommendation के साथ साथ कुछ macroeconomic perceptions जो थी वो भी दी थी IMF ने, जिसका जो main direction थी वो industrial development के ऊपर थी, जिसमें increase in the level of indirect tax, ठीक है, indirect taxes को उसने raise किया, यानी generalized sale tax जो थे उनको बढ़ाया by 1990 तक। फिर विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज ऑन गैस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, फर्टिलाइजर, इन पे गवर्नमेंट जो है वो पहले सब्सिडी दे रही थी, ठीक है, फार्मर्स को, और जो पुअर तबका था उसको दे रही थी सब्सिडी, लेकिन उन्होंने उसकी सब्सिडी को खत्म करवाया। उसके साथ इंक्रीज इन प्रोड्यूसर प्राइसेस ऑफ मेजर क्रॉप्स, ठीक है, जो प्रोड्यूसर थे उनकी क्रॉप्स की प्राइसेस को इंक्रीज किया, जैसे वीट, राइस, शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। 12.5% जो है रिडक्शन की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में ड्यूरिंग एग्रीमेंट पीरियड बिटवीन 1989 से 91। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट की बोरोइंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, ठीक है, एंड क्रेडिट एलोकेशन टू द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर क्रेडिट एलोकेशन हुई। उसके अलावा क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक जो है स्टेटेड दैट इकोनॉमी परफॉर्म्ड वेल टू दीस रिफॉर्म्स। वर्ल्ड बैंक ने फिर उसके बाद इन रिफॉर्म्स को जो है साइन करने के कुछ अरसे के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की और एक स्टडी कंडक्ट की, जिसमें उसने एनालाइज किया कि इन सैंक्शंस के साथ इकोनॉमी ने की परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी जब आप पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को में चीजें जो है इंसेंटिव्स देते हो, लोगों को इन्वेस्टमेंट देते हैं, तो उससे चीजें जो है बेहतर होती हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो ग्रो करने की तरफ मूव होती है। पब्लिक सेक्टर में जब तक चीजें पब्लिक होल्ड्स में रहती हैं या स्टेट ओन्ड रहती हैं तो उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आती। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैनेज टू एन इम्प्रेसिव 7.4% ग्रोथ इन 1991 टू 92 due to rapid expansion in cotton manufacturers. Main jo emphasis SAP ka tha wo kis pe tha, enhance growth by encouraging private sector which was supposed to take lead role, theek hai, private sector ko basically usne emphasize kiya, industries ko grow karne ki baat ki thi usne. Assessing the impact of industrial sector, theek hai, ab dekh lete hain ki industrial sector pe impact kya aaya. जब भी जो स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम लगाते हैं तो उसमें जो हमने देखा कि मेन फोकस जो है वो तो
इंडस्ट्रियल सेक्टर को या प्राइवेट सेक्टर को फोकस किया जाता है, ठीक है, लेकिन उसका जो बैड इम्पैक्ट्स आते हैं वो पुअर सेगमेंट पे आते हैं, यानी उनको जीरो सर्विसेज दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ एजुकेशन ये सारी जो सर्विसेज हैं ये उनके लिए कम कर दी जाती हैं। इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, रियल वेजेस जो होती हैं इकॉनमी में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम चली जाती हैं, फॉल्स कर जाती हैं, और इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ असेंशियल प्रोडक्ट्स जो होती हैं, यानी जो ज़रूरी अशिया हैं रोज़मर्रा की, उनकी प्राइसेस जो है इन्फ्लेशन बहुत आ जाती है इकॉनमी में, ठीक है, एज गवर्नमेंट सब्सिडीज वर टेकन अवे, क्योंकि गवर्नमेंट जो सब्सिडीज हैं वो वापस ले ली जाती हैं तो प्राइसेस जो हैं वो हाई हो जाती हैं। और इसको अगर हम ओवरऑल सम अप करें तो कह सकते हैं कि डी डिवेलपमेंट आने लग जाती है इकॉनमी के अंदर, माल न्यूट्रिशन बढ़ जाती है जब चीज़ों की प्राइसेस जो है, जो आम आपके बेसिक फूड की प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगी, तो जो गरीब है वो उनको खरीद नहीं सकेगा और अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर सकेगा, तो उससे माल न्यूट्रिशन बहुत आती है इकॉनमी में, ठीक है, डिक्लाइनिंग स्कूल अटेंडेंस हो जाती है, क्योंकि लोग जो है पहले उनको सब्सिडी मिल रही थी एजुकेशन पे, अब जो नहीं मिल रही तो जो स्कूल की फीस और चार्जेस पे नहीं कर सकते वो अब स्कूल अटेंड नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ मोर्टेलिटी रेट हमारा जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इसके क्या इम्पैक्ट्स आए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो डिक्लाइन हुई 8.21% से 4.8% पे आ गई, यानी 50% डिक्लाइन आया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में। 1996 से 7 में क्या हुआ कि ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो थी वो -0.1 रही, ठीक है, जो कि एक वरिंग फुल ट्रेंड है हमारे लिए। उसके साथ साथ 1990s से 2004 टू 5 देखें तो ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो उसने बहुत अप्स एंड डाउन जो है वो एक्सपीरियंस किए हैं, कभी किसी टाइम पे हम बेहतर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है एक्सपीरियंस करते हैं, और किसी साइड पे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है, ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल 1999 में 7% ग्रोथ रेट रही है, जबकि 2003 से 4 में हमारी 15.5% भी ग्रोथ रही है, जो कि बहुत एक अच्छी और इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट है। कंक्लूजन कर लेते हैं, चैप्टर को देख लेते हैं एक दफा ओवरऑल कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देखी हैं। ड्यूरिंग 1977 से 88 इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट थी वो वापिस आई पाकिस्तान में, टर्न बैक हुआ उसका, ठीक है, विच वॉज लॉस्ट इन 1972 से, क्योंकि भुट्टो के पीरियड में ये खत्म हो गई थी, उसने नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज लेके आया था और नेशनलाइजेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। ग्रोथ रेट इंडस्ट्री का जो है और ओवरऑल इकोनॉमी का वो रिटर्न हुआ इसमें और टू हाई लेवल्स ऑफ प्री भुट्टो इरा, इससे पहले भुट्टो के इरा से पहले भी ग्रोथ रेट जो है वो हाई थे और बाद में फिर ये अब हाई होने शुरू हो गए। फिर अयूब खान और जिया जो थे वो दोनों मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, तो इनके जो टाइम के ग्रोथ रेट्स थे, ग्रोथ इंडिकेटर्स थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे। प्राइवेट सेक्टर रिटर्न टू पाकिस्तान आफ्टर भुट्टो ईयर्स, ठीक है, भुट्टो के टाइम के बाद जो प्राइवेटाइजेशन थी वो पाकिस्तान में दोबारा आई और बिगन टू प्ले अ की रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। जिया के दौर में क्या हुआ कि वर्कर्स जो रेमिटेंसेस थे वो इंक्रीज हुए ऑफ अराउंड $3 बिलियन, ठीक है, ड्यू टू मिडल ईस्ट, उस टाइम पे मिडल ईस्ट में बूम आया, जब भुट्टो का हमने टाइम देखा था तो उस टाइम पे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर रिसेशन आ रहा था, ठीक है, तो सिर्फ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वही इम्प्लीमेंट नहीं करती पूरे इकोनॉमी की ग्रोथ या डेवलपमेंट के ऊपर, बल्कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमीज होती हैं उनका भी जो स्टेटस होता है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आफ्टर जिया डेथ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन वॉज मैच्ड बाय न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर्स, ठीक है, जिया की डेथ के बाद जो न्यू डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुई हमारी, ठीक है, वॉज मैच्ड बाय न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर्स एंड पाकिस्तान एंटर द न्यू वर्ल्ड ऑफ सैप अंडर केयरफुल आईज ऑफ IMF और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और IMF के आईज के अंदर हम आगे उनके प्रॉपर होल्ड में हम आगे बेसिकली। अब क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से आप लोन के लिए जाते हो तो वो आप पे कुछ सेंक्शन वगैरह लगाता है, वो कुछ आप पे चीज़ें लगाता है, एक तो उसका मकसद ये होता है कि आप वापस जो है अपनी इकोनॉमी को दोबारा से स्टेबलाइज कर सकें, और दूसरा ये होता है कि उन्हें रिटर्न बैक लेने की भी टेंशन होती है कि क्या ये जो है इस तरह के सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट करेगा कि हमें ये लोन जो है वो रीपे भी कर सके, ठीक है, इस वजह से ये सैंक्शन जो हैं या ये जो आप रिफॉर्म्स होते हैं ये इम्पोज किए जाते हैं। इन 11 ईयर्स
एक्सपेक्टेशन ऑफ सैप वॉज अनफुलफिल्ड, ठीक है, जो जिया के टाइम के 11 साल थे, ठीक है, उनमें जो सैप की कंडीशनैलिटीज थी वो हमने अनफुलफिल रही, यानी वो पूरी नहीं कर सके। और उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हुए और जो है वो पाकिस्तान में दोबारा आ गए और डेमोक्रेसी ने दोबारा इसकी जगह ले ली। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। और कोई भी लेक्चर से रिलेटेड आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।